तो गाइस आई होप कि आप लोगों को आज का ये जो मेकअप लुक है वो पसंद आ रहा होगा। आज मैंने शेयर किया है एक अफोर्डेबल बजट में वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पर देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक द कॉन्टेंट एंड प्रेस द बेल आइकन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन। सो या विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज यू कैन सी मैं अभी बेयर फेस हूँ और मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेस अप्लाई कर लिया है। बारी आती है स्किन केयर की, मैंने यूज़ किया है गुड वाइब्स की नेरोली फेस मिस्ट। अगर आप एक टीनेजर हो तो डेफिनेटली इसे यूज़ कर सकते हो। आफ्टर दैट लिप बाम के लिए मैंने मेबलिन की बेबी लिप्स यूज़ किया है। उसके बाद स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए गुड वाइब्स की ये सैफ्रन डे क्रीम मैंने लिया है। अगर आपकी बजट उतना ज़्यादा नहीं है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, और ड्राई स्किन वालों के लिए अमेजिंग है। प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एनवाई बेकी प्राइमर, और मेरी टी जोन पे फोकस करते हुए मैं पूरी फेस पे से तरीके से अप्लाई कर लूंगी। प्राइमर जो है वो फाउंडेशन से आपकी स्किन को बचाता है एंड साथ ही साथ जो मेकअप है उसे फ्लॉलेस बनाता है। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है लैक्मे की फाउंडेशन, दिस इज इन द शेड N360, और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। गाइज अगर आप मेरी स्किन टोन में हो या फिर मुझसे एक शेड लाइटर हो तो ये आपके लिए एकदम प्रॉपर शेड रहेगा। आफ्टर दैट आईब्राउज को मैं यहाँ पे फिल कर लूंगी, और उसके लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी की आईब्राउ किट, दिस इज इन द शेड 01, और एक एंगुलर ब्रश की मदद से ब्राउन और ब्लैक शेड को एक साथ मिला के मैं अपने आईब्राउज को अच्छी तरीके से फिल कर लूंगी, और उसे स्पूली की मदद से मैं प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लूंगी ताकि सब कुछ इवन दिखे। हो जाने के बाद मैं दोनों आईब्राउज को कंप्लीट कर लूंगी और आप यहाँ पे डिफरेंसेस देख सकते हो। कंप्लीट हो जाने के बाद बारी आती है कंसीलर की, मैंने लिया है अगेन स्विस ब्यूटी की कंसीलर एंड दिस इज इन द शेड N01, और मैं अपनी जो लाइक एजेस है ब्राउज की उसको भी मैं क्लीन कर लूंगी ताकि जो मेकअप है वो बहुत ही एनहेंस लाइक होके आए, और मेरी यूजुअल पॉइंट्स पे भी मैं अप्लाई कर लूंगी लाइक ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, आईलिड, अंडर आइज, चिन, एंड अगेन वही ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूंगी। और आप देख सकते हो कि इसकी जो लाइक फॉर्मुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लेंडेबल है, आपकी फेस में एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है एंड काफ़ी नेचुरल लगता है। फेस को सेट करने के लिए देन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है असफा हलाल की कॉम्पैक्ट पाउडर एंड दिस इज इन द शेड 03, और आज हम लोग ये वाला आई मेकअप लुक करेंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ स्विस ब्यूटी की इस आई शेडो पैलेट को यूज़ किया है। सबसे पहले एक डार्क ब्राउन शेड को लेते हुए मैं अपनी आउटर वे से इनर वे की तरफ क्रीज के ऊपर पूरी अप्लाई कर दूंगी एक ब्लूमिंग ब्रश की मदद से, और धीरे धीरे उसे बिल्डअप करूंगी ताकि जो आई मेकअप है वो और भी ज़्यादा इनहेंस लगे। उसके बाद एक पीची सा शेड लेते हुए उसके बहुत करीब करीब एज अ ट्रांजिशन शेड में यूज़ करूंगी एंड एक क्लीन ब्रश की मदद से मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी। देन मैं लाइक वही डार्क ब्राउन शेड को आउटर वे की तरफ एंड उसके बाद वो पीची सा शेड एंड एक न्यू सा वाइट शेड को मैं अप्लाई कर दूंगी। अभी थोड़ा सा ग्लिटर की बारी आती है, तो मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी की ये लिक्विड ग्लिटर एंड अपनी फिंगर टिप की मदद से मैं इसे बस प्रेस कर दूंगी एंड जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होगी उसे मैं ब्रश की मदद से ब्लेंड आउट कर लूंगी। काजल के लिए मैंने स्टेक वर्की की काजल लिया है ब्लैक एंड वाइट। वाइट को मैं सिर्फ और सिर्फ नीचे की जो वाटर लाइन है वो अभी मैंने टाइटन अप किया है एंड बाकी जो लाइक आई शेडोज है उसे मैं ब्लेंड अप कर रही हूँ। बारी आती है मस्कारा की, मैंने यूज़ किया है पर्पल की मस्कारा, और ये वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर आप वाटरप्रूफ चाहते हो इसी रेंज में आपको मिल जाएगा। फेस को कॉन्ट्रोल करने के लिए मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड की मेगा ग्लो कॉन्ट्रोल पैलेट, और एक कॉन्ट्रोलिंग ब्रश की मदद से मैं पूरी फेस को कॉन्ट्रोल कर लूँगी एंड एक एंगुलर ब्रश की मदद से मैं अपनी नोज़ को कॉन्ट्रोल करूँगी। नोज़ कॉन्ट्रोलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मेरी जो नोज़ है वो काफ़ी मोटी है। ब्लश के लिए मैंने आज दोनों शेड को लिया है स्टेक वर्की की तरफ से, 1 है 04 एंड 03, एंड दोनों को एक साथ मिलाते हुए मैं अपनी चीक्स पे अप्लाई करूंगी साथ ही साथ थोड़ा सा नोज पे, इससे वो एक ब्लशी काइंड ऑफ इफेक्ट मिलता है। एंड मेकअप को सेट करने के लिए मैंने स्विस ब्यूटी की मेकअप फिक्सर लिया है, और जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है उसे मैं सटल आउट कर रही हूँ। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है वेट एंड वाइल्ड की हाइलाइटर एंड दिस इज इन द शेड पिंक ग्लो। नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज मोर बेटर फॉर फेयर टू मीडियम स्किन टोन, डस्की स्किन टोन के ऊपर ये थोड़ा सा चौकी लगता है एंड जो भी है मेरे पास है तो आई हैव टू यूज दिस वन। तो मेरी यूजुअल जो पॉइंट्स है उसे मैंने अच्छी तरीके से हाईलाइट कर लिया है। बारी आती है अब हेयर की, और आज मैंने यूज़ किया है कर्मिन की ये प्रोफेशनल सलोन प्रो G3 हेयर स्ट्रेटनिंग, दिस इज सच एन अमेजिंग स्ट्रेटनर। ये एकदम ही आपको सलोन जैसा फिनिश देगा। यहाँ पे आपको मिलता है बटन जिसकी मदद से आप इसको स्विच ऑन ऑफ कर सकते हो एंड यहाँ पे आप एडजस्ट भी कर सकते हो आपको कितनी टेम्परेचर में चाहिए। 250 से 400 तक की टेम्परेचर यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो अगर आपको ज़्यादा हीट पसंद नहीं है आप अपने हिसाब से सेट करके इसकी मदद से अच्छी तरीके से कर सकते हो। एंड कोई भी सीरम वगैरह
मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आप देख सकते हो इसकी फिनिश। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। इसकी जो लिंक होगी मैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। गाइस, लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक गेन पर्पल की मिनी लिपस्टिक एंड दिस इज़ द एब्सोल्यूट फाइनल लुक। सो गाइज, आई होप आप लोगों को आज का ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आप चाहो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि उन लोगों को भी पता चले कि अफोर्डेबल बजट में किस तरीके से आप एक ब्यूटीफुल सा वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल पा सकते हो। सो आज की वीडियो मैं यहीं पर खत्म कर रही हूँ। मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।